अरे यार पीछे जा यार, बाहर चलाना चाहिए तुम लोग को। फाइनली हम लोग दरगाह चुंगी के पास आ चुके हैं और ये देखिए अभी वहाँ पर जो है ताज़िया और अलम सब कुछ पहुँचा है और यहाँ से होते हुए हम करबला पहुँचेंगे, फिर वहाँ से साहिब सज्जादा आएंगे, सेरा पोशी और दुआ होगी, फिर वहाँ से ताज़िया निकलेगी। तो आप देख सकते हैं फाइनली अभी चुंगी पे हम लोग आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से आपका खान साहब ब्लॉग। पुर की चौचा आ चुके हैं और अब यहाँ से जो ताजिया आई है वो करबला जाएगी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये जो रास्ता है इधर से ही होते हुए जो ताजिया जाती है वो करबला की तरफ जाती है और यहाँ से ताजिया हमारे पीछे आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर आप देख सकते हैं ताजिया आ रही है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है और मौसम भी बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं करबला के पास, वो रहा सामने जो है रास्ता और वहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो साहिब सज्जादा सैयद मोहिद्दीन अशरफ हैं वो जो दरगाह की कल रात में जो ताजिया बन के निकली थी उसकी सेहरा पोसी होगी, फिर उसके बाद वो ताजिया आगे निकलेगी, उसके बाद जो है वो सारी ताजिया पीछे रहेगी। आपको जो कल वीडियो में दिखाया था जो ताजिया थी वो चौक पर रख दी गई थी और सामने है करबला, वहाँ की जो चौक है वहाँ पे जो ताजिया रखी जाती है और जैसा भी आपने देखा कि बस्तखारी की जो ताजिया थी वो आ चुकी है और अभी कुछ ही देर के बाद जो वहाँ की जो ताजिया है वो आगे होगी, उसके बाद जितनी ताजिया बस्तखारी से आई है वो पीछे होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वो जो ताजिया है वो वहाँ चौक से उठ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर जायरीन उमड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहे गफूर साहब चाचा जो कि ताजियादार हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? और आप सामने देख रहे हैं कि जो डोला है वो आ रहा है, ये देखिए आप सामने।
सलामी गेट के पास पहुंचने वाले हैं और सामने है चौक और इस तरीके से भीड़ है। सकते हैं वहाँ से जो ताजिया उठी थी वो यहाँ पर चौक पर रख दी गई है और फिर यहाँ से अभी होते हुए सलामी गेट होते हुए मलंग गेट होते हुए कुछ ही देर बाद अभी दफन हो जाएगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं सलामी दरवाजे के पास जो है अलम और ताजिया सब कुछ आ चुका है और किस तरीके से लोग यहाँ पर छतों से और हर जगह से ज्यारत कर रहे हैं ताजिया की। और ये देखिए आप पूरा छत जो आप देख सकते हैं और सामने रहा हमारे सलामी दरवाजा। अभी इधर से ही होते हुए बड़ी ताजिया गई है और जितनी बसखारी की ताजिया है वो अभी इधरी रास्ते से आएगी। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ वहाँ पर ताजिया पहुंची, अभी वहाँ पर चौक पर रखी जाएगी फिर वहाँ से आएगी। अरे यार पीछे जा यार। मारे रहे यार। आपने देखा कि जो सहन से ताजिया बनती है वो वहाँ सहन पे ही रख के उसका दफन हो जाता है और जो बसखारी से ताजिया बनती है वो नीर शरीफ के किनारे आती है और यहाँ पे वो दफन होती है। और सामने आप देख सकते हैं आस्ताना मखदूम अशरफ की आप ज्यारत कर रहे हैं। पन्नी भेज दे अरे एक आदमी तो छोड़।